हाय फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। वेलकम टू माय चैनल घर का खाना विद नूरजहान किचन। आज हम बनाएंगे सबसे टेस्टी और झटपट अक्खा मसूर का पुलाव। जी हाँ, अक्खा मसूर का पुलाव बहुत ही टेस्टी लगता है और सेम चिकन पुलाव की तरह इसकी खुशबू आती है। जब भी हमारे घर में ये पुलाव बनता है तो जो भी हमारे घर में आते हैं उन्हें लगता है कि मैंने चिकन पुलाव बनाया है, तो वो बार बार पूछते रहते हैं कि क्या बनाया है। तो मैं कह रही हूँ अक्खा मसूर का पुलाव बनाई हूँ, मगर उन्हें यकीन नहीं आता। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा, देखिएगा आपको भी ज़रूर पसंद आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक बड़ी पतीली ली हूँ, गैस का फ्लेम पास है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 बड़े स्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे। हम आधा किलो चावल का पुलाव बना रहे हैं। 1 चम्मच शाह जीरा और थोड़े खड़े मसाले हैं, उनके नाम मैंने ऊपर लिखे हैं, आप उसमें से देखकर डालिए। थोड़ा थोड़ा ही डालना है। इसे अच्छी तरह गर्म होने दीजिए। अब इसमें हरी मिर्ची डालेंगे 4-5 कटी हुई और थोड़े से कड़ी पत्ते के पत्ते। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है ये तड़के का। अब इसमें हम 2 प्याज डालेंगे मीडियम साइज़ के कट करके, और इन्हें गुलाबी नहीं करेंगे, बस हल्का हल्का गुलाबी होने तक यानी नरम होने तक पकाएंगे। क्योंकि अगर हम प्याज गुलाबी करेंगे तो पुलाव का कलर अलग हो जाएगा, हमें वाइट कलर का पुलाव चाहिए। तो इसमें हम 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रहे हैं, और अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच हरी मिर्ची पिसी हुई पेस्ट। अगर आपको तीखा कम पसंद है तो आप 1 चम्मच ही डालिए, मगर ज़्यादा तीखा नहीं हुआ था, बिल्कुल सही था। 2 चम्मच धनिया पाउडर, और मैंने यहाँ पे नमक डाली हूँ 2½ चम्मच, आप अपने हिसाब से डालिए। अब हम इसमें 3 टमाटर डालेंगे बारीक कट करके। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इन्हें हम फास्ट फ्लेम पर 5 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे, ताकि हमारे टमाटर अच्छी तरह नरम पड़ जाए। ठीक है, 5 मिनट हो गए हैं, अब हम खोल के चेक कर रहे हैं। देखिए माशाल्लाह अच्छी तरह तेल हमारा सेपरेट हो गया है, यानी जितना टमाटर वगैरह का पानी था, मसाले थे, वो सब सूख गया है। यहाँ पर मैंने 100 ग्राम अक्खा मसूर की दाल ली हूँ, इसे 1 घंटा पहले अच्छी तरह धो के भिगाया है, अच्छी तरह फूल गई है। अब आहिस्ता आहिस्ता हम दाल डालेंगे, इसका पानी नहीं डालेंगे, बस दाल निकाल कर डाल दिए और अच्छी तरह मिक्स कर दीजिए। देखिए हमने इसका पानी फेंक दिया है, डाले नहीं इसका पानी, क्योंकि आखिर में इसमें थोड़ी मिट्टी जैसी होती है। तो अब हम यहाँ पर 100 ग्राम दही डाल रहे हैं, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा हमारे पुलाव में। बहुत ही टेस्टी बना था हमारा पुलाव। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। यहाँ पे मैंने 1 पैकेट यानी 5 रुपये वाला जो चिकन मसाले का पैकेट आता है एवरेज का, वो डाली हूँ। बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी हमारे पुलाव में। अब 5 मिनट के लिए इन तमाम चीज़ों को हम फास्ट फ्लेम पर ढक कर पकाएँगे। देखिए 5 मिनट हो गए हैं, आप देख सकते हो तमाम चीज़ें अच्छी तरह पक रही हैं और तेल सेपरेट होते जा रहा है। अच्छी तरह मसाला भून रहे हैं हम। अब हम इसमें बटाटे डालेंगे अपने हिसाब से, क्योंकि अक्खा मसूर के पुलाव में ज़्यादा खाने के लिए कुछ होता नहीं है, दाल और चावल ही होती है वो, तो इसके लिए बटाटे डालते हैं। बहुत ही शौक से खाते हैं बच्चे लोग। अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर दी हमने। यहाँ पे मैंने 3.5 ग्लास यानी 3½ ग्लास पानी ली हूँ, क्योंकि 1/2 किलो चावल है मेरे, अगर कम ज़्यादा होगा तो हम आगे डालेंगे। 10 मिनट के लिए हम इसे ढककर पकाएंगे। 10 मिनट हो गए हैं, आप देख सकते हैं अच्छी तरह उबाल आ गया है। 1/2 नींबू का रस मैं डाल रही हूँ इसमें। यहाँ पर मैंने कोलम के चावल ली हूँ 1/2 किलो, इसे मैंने 30 मिनट पहले भिगा के रखी हूँ धो के अच्छी तरह। अब हम आहिस्ता आहिस्ता चावल डालेंगे चम्मच की मदद से। चावल का जो पानी होता है भिगा हुआ,
वो नहीं डालेंगे। देखिए अच्छी तरह मिक्स करते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ चावल। अब हमने तमाम चावल डाल दिए हैं, अब हम इसे फास्ट फ्लेम पर 10 से 15 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। देखिए 10 से 15 मिनट हो गए हैं, चावल का पूरा पानी सूख गया है। अब हम इसमें अच्छी तरह मिक्स करेंगे, क्योंकि तमाम चीज़ें आके एक तरफ जम जाती हैं। आप देख सकते हो प्याज, टमाटर और दाल जो हमने डाली है सब एक ही जगह आके जम गई है। हमें उसे अच्छी तरह मिक्स करना है, बहुत ही प्यार से और संभाल संभाल के। देखिए आपको चटका वगैरह ना लगे, मैंने कपड़े की मदद ली हूँ, मुझे पकड़ से नहीं जमता पकड़ने। यहाँ पे मैं एक मैगी मसाला 5 रुपए वाला डाल रही हूँ, बहुत ही टेस्टी बनेगा हमारा पुलाव, मगर ये डालने से इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपका पुलाव झटपट ख़त्म हो जाए तो एक बार इस तरह ज़रूर डालिएगा। अगर आप चाहते हैं तो जब पानी उबल रहा होता है तभी डाल दीजिए। देखिए हमारे चावल अच्छी तरह पक गए हैं, देखिए आसानी से दब रहे हैं। अब हमें और पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, अब हम इसे ढक के पकाएंगे। इस पर हम कोई भारी वज़न रख देंगे और 10 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर पकाएंगे, और फिर गैस बंद कर दीजिए 10 मिनट के बाद। फिर मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं अब हमारा अक्खी मसूर का पुलाव अच्छी तरह रेडी है, खाने के लिए तैयार है। तो आइए बिस्मिल्लाह कीजिए, बहुत ही टेस्टी बना है। और मैं बार बार कहती हूँ कि हमारे घर में सबको पसंद आया, ये बात सही है, कोई झूठ बात नहीं है। और प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे वीडियो ऐसे हैं जिसे आप देखते भी नहीं हैं और ना ही उसके शॉर्ट देखते हैं, तो उस पर बहुत कम व्यू आते हैं। और सब्सक्राइबर तो बहुत ही कीमती चीज़ हो गई है मेरे लिए, क्योंकि कोई मुझे भाव ही नहीं दे रहा है। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरी तमाम वीडियो को देखिए, देखिए आपको ज़रूर मेरी तमाम वीडियो अच्छी लगेगी, और शॉर्ट भी बहुत अच्छे डाली हूँ मैंने, तो उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो अगर आपको मेरा खाना पकाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरा चैनल कैसा लगता है। ठीक है, शुक्रिया, खुदा हाफिज़, फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। शब्बा खैर।